ये उनको पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना अपना क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते अब उन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते उन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके तू क्या कर रहा है आजकल एक काम कर जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे हफ्ता मांग के ला बस करता हूँ उसको लगता है अब बड़ा डॉन है डॉन नहीं है डॉन तो अपू के ऊपर है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में सुशांत के परिवार द्वारा एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराने के बाद अब बिहार की एक टीम भी मुंबई जांच करने पहुंच चुकी है। इसी दौरान बिहार पुलिस ने कई बार कहा कि वह रिया से कोई भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहा। अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि रिया चक्रवर्ती हमेशा से मुंबई में ही रही हैं। वह 14 जून 2020 को मुंबई में थी। उन्होंने सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनका नाम 20 की सूची से बाहर था। उनसे मुंबई पुलिस ने 18 जून 2020 को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहां उनका बयान दर्ज भी करवाया गया था। इसके बाद 17 जुलाई 2020 को सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया गया। उन्होंने वहां भी अपना बयान दर्ज किया। बाद में जब बिहार पुलिस पटना में दर्ज FIR के आधार पर मामले की जांच करने के लिए मुंबई आई तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी स्थिति के मद्देनजर केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए 30 जुलाई 2020 को एक याचिका दायर की। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि बिहार पुलिस के पास कानूनी रूप से इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस लगातार बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में जाना कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि रिया चक्रवर्ती मुंबई में ही थी और वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनका नाम उस 20 नामों की लिस्ट में नहीं था और उन्होंने मुंबई पुलिस को 18 जून को अपना बयान भी दर्ज कराया। ये तो जांच में ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन है असली हत्यारा सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उन पर FIR के बाद मामला बहुत ही ज्यादा आग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहिए IBN भारत। मैं थी आपके साथ प्रिया वाजपेयी। I have immense faith in court and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. मैं कैसे कैमरा मेरा इस कैमरा सेंटर में
ग्लैमर और स्टाइल मेरी लाइफ में बॉलीवुड की वजह से है. तो जब फिल्म फेयर, जो कि बॉलीवुड का क्वीन फेस्टिवल है, जब वहाँ पे ग्लैमर और स्टाइल होता है तो मैं फुल तैयार होके आती हूँ. सिर्फ 2.5 days लगते हैं तैयार होने में. उसके बाद हम आते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और अंदर जाके इट्स अ रियली फन फंक्शन. सो आई थिंक सब एक्साइटेड रहते हैं. मेरी तरफ से तो वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार. I'm single. Find me. अभी कमिंग ईयर में काफ़ी कुछ आने वाला है, मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी.